हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 50 सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला सवाल, तो किस धातु को नोबल धातु बोला जाता है? तो नोबल धातु किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है सोना। सोना को नोबल धातु बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो कौन से फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? तो सही आंसर से मटर, मटर लाहर दाल की फसलों से मटर मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। अगला सवाल, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा सवाल, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबड़ मुलायम होता है, इसको कड़ा करने के लिए सल्फर नामक यौगिक मिलाया जाता है। तो सल्फर का यूज होता है रबड़ को कड़ा करने में, तो वल्कनाइजेशन में सल्फर का यूज होता है। पांचवा सवाल, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक फॉर्मूला क्या है? NaCl। और इसको साधारण भाषा में क्या बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को? नमक। छठा सवाल, लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लोहे जो है अयस्क में ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। सातवां सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कुल मिलाकर 20 दांत ऐसे हैं जो दो एक बार टूटने के बाद फिर से विकसित होते हैं। तो सही आंसर है 20 दांत ऐसे हैं जो टूटने के बाद विकसित होते हैं। आठवां सवाल है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को जिनके संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है हरगोविंद खुराना जीन के संरक्षण से संबंधित है। सवाल नाइन्थ, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां हैं। तो सही आंसर 8, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां हैं। दसवां सवाल, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक हरण विकास का मुख्य कारक है। इलेवेंथ, यूनिवर्सल सर्वव्यापी रक्तदाता का ग्रुप समूह कौन है? तो सर्वव्यापी रक्तदाता का ग्रुप है वो ग्रुप सर्वव्यापी रक्तदाता समूह है। ट्वेल्थ, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तेरहवां सवाल, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया है। तो सही सर लेमार्क ने जीव विकास को सबसे पहले समझाया था। 14th, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो सही आंसर है दिन, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। 15वां सवाल, किसकी कमी से रक्तहीनता हो जाता है? तो रक्तहीनता यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन में की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है जिसको रक्तहीनता बोला जाता है। 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर है। तो फीमर सबसे बड़ी है। 17वां सवाल, ब्रोंकाइटिस एक रोग है अकृत का, ब्रोंकाइटिस किस रोग किससे संबंधित है? अकृत से। 18वां सवाल, BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग के बचाव के लिए। तो BCG का टीका क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। 18वां का सही आंसर है। 19वां सवाल, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कौन सी बीमारी सबसे तेज गति से फैलती है? तो सही आंसर है कुष्ठ रोग सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी है। 20वां सवाल, घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा विटामिन के कारण घाव शीघ्र ही पूरे हो जाते हैं? तो विटामिन के कमी से। तो विटामिन के कारण घाव शीघ्र ही पूरा हो जाता है। 21, अनुवांशिक के संग्रह के लिए उत्तरदायी अनु कौन है? तो अनुवांशिक के संग्रह के लिए DNA उत्तरदायी होता है। तो DNA का क्या है? डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्वेंटी टू, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, तो सही आंसर है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, ट्वेंटी थ्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है तो उसके लिए आवश्यक गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है, CO2, ट्वेंटी फोर, सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है जो हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, पच्चीसवां सवाल, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया, तो सी है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का निर्माण किया है, कोशिका की खोज किया है रॉबर्ट हुक ने, तो